सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। श्रेष्ठ वही है जिनमें दृढ़ता हो जिद नहीं, बहादुरी हो जल्दबाजी नहीं, दया हो कमजोरी नहीं। भाग्य और झूठ के साथ जितने ज्यादा उम्मीद करेंगे वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा, लेकिन कर्म और सच पर जितना जोर देंगे वो उम्मीद से सदैव ही ज्यादा रहेगा। सारा करिश्मा मोहब्बत का है, वरना कौन पत्थर की दीवारों को ताजमहल कहता है। आज का पंचांग 2 अक्टूबर 2021, दिन शनिवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, रात्रि 11:10 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्लेषा नामक नक्षत्र रात्रि 3:35 तक रहेगी। इसके उपरांत मघा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:19 से 10:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:52 से 12:39 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर सुबह 3:35 तक रहेगी। इसके उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। कर्क राशि 2 अक्टूबर 2021, दिन शनिवार, आप ऊर्जा से भरे हैं और आशावादी सोच रखते हैं। कुछ दिन पहले तक जो भी चीजें बिल्कुल व्यर्थ लग रही थी आज उतनी नहीं दिखेगी। आपके दृष्टिकोण के दृढ़ता और जीवन शक्ति से आपको इस स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी। आज का दिन अपने सोच विचार और इच्छाओं को खोलकर व्यक्त करने के लिए भी बहुत उपयुक्त है। सच्चे दिल से लक्ष्य प्राप्ति की कोशिश करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के दिन आपके कलात्मक कार्यों में रुचि भी बढ़ती नजर आ रही है। जीवन साथी का सहयोग मिलने से आज आप अपने ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से यदि कोई वाद विवाद था तो उसे भी समाप्त करने में सफल रहेंगी, लेकिन आज आपको अपने किसी सरकारी कार्य को लंबित नहीं छोड़ना है। यदि आपने ऐसा किया तो वह भविष्य में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। यदि आज आप किसी संपत्ति के क्रय विक्रय का सौदा करने जा रहे हैं तो उसके चल व अचल पहलुओं को सावधानी से जांच लें। इस राशि वालों के लिए व्यापार में किसी काम को लेकर भागदौड़ की स्थिति बन सकती है। पिछले कुछ अटके कार्यों को पूर्ण करने के लिए प्रयास करेंगे। पारिवारिक बिजनेस से जुड़े हुए लोगों के लिए लाभदायक दिन रहेगा और परिवार के सदस्य भी साथ देंगे। मीडिया एवं कम्युनिकेशन से जुड़े जातक अधिक मेहनत व परिश्रम करेंगे जिससे उनके प्रभाव में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा वर्ग के जातकों पर समय पर पूरा काम करने का दबाव बना रहेगा। सावधानियां, आज आप अपनी बड़ी समस्याओं को हल करने के प्रयास शुरू कर देंगे। यह समय बीमारियों और मुद्दों को केवल ऊपर से हल करने का नहीं है, आपको उन्हें जड़ से मिटाने का प्रयास करना चाहिए। ये काम जरा मुश्किल है पर असंभव नहीं। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आपकी एक ऐसी स्थिति का सामना करने की संभावना है जिससे आपकी प्यार और प्रतिबद्धता की शक्ति का परीक्षण होगा। आपको अपने मस्तिष्क में ये ध्यान रखना होगा कि आपके साथी का आप पर पूर्ण विश्वास है और आपको इस प्रेम की परीक्षा में पास होना है ताकि ये प्रेम संबंध हमेशा के लिए प्रगाढ़ बने। अगर आप में दया और सहानुभूति रहेगी तो आप किसी चीज का भी डट का सामना कर सकते हैं, चाहे आपका भाग्य कैसी भी पहेली आपके सामने लाए। बात करते हैं करियर की। आप सफलतापूर्वक अपने रचनात्मक कार्यों को खत्म करने में सक्षम रहेंगी। इस जश्न को मनाने के लिए आप एक पार्टी की मेजबानी की योजना भी बना सकते हैं और जिन्होंने भी इस यात्रा में आपका समर्थन किया है एवं अपने विरोधियों को भी समारोह में आमंत्रित करें। अपनी कमाई और खर्च के लिए संतुलन बनाए रखने के लिए भी प्रयास करते रहें। बात करते हैं सेहत की। अगर आप अपने खान पान संबंधी दैनिक आदतों का ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य बनाए
रख सकती है। दूसरी तरफ जंक फूड से न केवल आपका शरीर प्रभावित होगा बल्कि आपके दिमाग पर भी इसका असर पड़ेगा, जिसके कारण आप अपने फिट शरीर का आनंद नहीं ले पाएंगे। थोड़ी से अधिक स्वास्थ्य कर जीवन शैली से आप फिट शरीर की इस खुशी को लंबे समय तक बनाए रख सकेंगे। अपने सेहत का ख्याल भी रखें। आज का उपाय, आज अब गरीबों को काले कपड़ों का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।